नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब जामुन बनाना बताने जा रही हूँ। आपको बिना किसी पाउडर, बिना किसी मिलावट के बिल्कुल शुद्ध तरीके से घर में उपलब्ध चीजों से स्वादिष्ट और स्पेशल गुलाब जामुन बनाना बताने जा रही हूँ। यह बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होता है और जब हम घर में आसानी से बना सकते हैं तो मार्केट से मिलावटी सामान क्यों लाएं या पाउडर से क्यों बनाएं? मैंने गुलाब जामुन केवल दो चीजों से बनाया है। पहला, खोया, खोवा या मावा, आप इसे जिस भी नाम से जानते हो। मावा को भी हमने घर में बनाया है। और दूसरा, मैदा। दो चीजों से बनाया गया स्पेशल शुद्ध गुलाब जामुन है। तो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। तो चलिए गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। 7 से 8 गुलाब जामुन बनाने के लिए चाहिए 250 ग्राम मावा, इसे खोवा भी कहते हैं। ये 2 लीटर दूध से घर पर तैयार किया है इस मावा को, इसे बनाना बहुत ही आसान है। 120 ग्राम मैदा, डीप फ्राई करने के लिए घी या ऑयल लें, आवश्यकता अनुसार दूध, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 8 से 10 बूंद नींबू का रस लिया है चाशनी के लिए, 250 ग्राम चीनी, 300 ग्राम पानी या 1 गिलास, इनसे चाशनी तैयार करें। इस मावा को प्लेट में लेकर अच्छे से मिक्स कर लें, बारीक कर लें इसे। ये घर का बना मावा है इसलिए अच्छा सॉफ्ट है। कोई भी मिठाई बनानी है तो मावा की विशेष ज़रूरत होती है। मार्केट में मावा तो मिलता है लेकिन मिलावट वाला मिलता है। यदि आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इस तरीके से इसको बारीक कर लें। अब इसमें मैदा ऐड कर लें। ध्यान रखें मैदे की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ 250 ग्राम मावा लिया है तो 120 से 125 ग्राम मैदा यूज़ कर रहे हैं। उससे ज़्यादा आप मैदा यूज़ ना करें, नहीं तो गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते रहें। यहाँ वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं किया है, पूरा दिखा रहे हैं कि कैसे इसे मिक्स कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें मैदा को। मावा और मैदा को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे इस तरीके से बाइंड करके देखें। यदि ये छूने में हार्ड लग रहा है तो इसमें आवश्यकता अनुसार ही दूध ऐड करें। आप शुरू में ही इसे इस तरीके से चेक करके देख लें कि कितना सॉफ्ट है या हार्ड है। ज़रूरत अनुसार ही इसमें दूध ऐड करें। दूध थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, एकदम से ज़्यादा दूध ऐड कर देंगे तो ये गीला भी हो जाएगा। इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना होता है। ये छूने पर नॉर्मल लगे, ना तो ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि यदि ये हार्ड होगा तो जब कढ़ाई में गुलाब जामुन सेकेंगे तो ये फूट भी सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आप ऐसे बॉल बनाकर देखें। ये बहुत आसानी से बन रहा है, छूने में मुलायम है, ऐसा होना चाहिए आपका भी। इसे 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें, तब तक चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए 250 ग्राम चीनी और 1 गिलास पानी या 300 ग्राम पानी लें आप, और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम में। चम्मच से इसे चला दें, 2 मिनट तक इसे गर्म होने दें। 2 मिनट के बाद चाशनी में इलायची पाउडर ऐड कर दें। इलायची पाउडर डालने से इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आठ से दस बूंद नींबू का रस डाल दें इसमें। नींबू का रस इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे चाशनी जमती नहीं है। इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। चाशनी को 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएं। गुलाब जामुन के लिए 2 तार की चाशनी तैयार करें आप।
यहाँ चाशनी बनाने के लिए साफ चीनी लिया था, इसलिए इसमें दूध डालने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी चीनी गंदी है तो आप इसी समय 2 टीस्पून दूध डालें। दूध डालने से इसमें जो भी गंदगी रहती है वो ऊपर आ जाती है, फिर आप इसकी गंदगी को चम्मच से निकाल सकते हैं। चीनी गंदी होने के कारण यदि आप चाशनी में दूध डालते हैं तो जब इस चीनी की गंदगी हट जाएगी उसके बाद ही आप इसमें इलायची पाउडर डालें। 3 से 4 मिनट बाद उंगली से चेक करके देखें, छूने पर चिपक रहा है। चाशनी बनकर तैयार है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब आप गुलाब जामुन बनाकर रख लें। आपको जिस साइज के बनाना है आप उस साइज के बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके से बनाकर रख लें। यहाँ पर बड़े साइज के गुलाब जामुन बनाया है, इसलिए इससे सिर्फ 8 से 9 गुलाब जामुन ही बनकर तैयार होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसे अच्छे से दबाकर ही बनाएं, इस तरीके से। इन्हें अच्छे से बाइंड करना जरूरी है ताकि ऑयल या घी में आप इसे फ्राई करें तो फूटे ना। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ गुलाब जामुन बनाने का। इसमें कोई भी सामान आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो स्किप मत करिएगा। आप कढ़ाई में 2 से 3 कटोरी घी लें। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। यदि आपके पास गहरी कढ़ाई है तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल या घी डालें। घी या ऑयल इतना लें ताकि गुलाब जामुन उसमें अच्छे से डूब जाएं। ऑयल को मीडियम फ्लेम में गर्म होने दें। घी को चेक करें गर्म हुआ है कि नहीं। इसमें बिल्कुल छोटा सा गुलाब जामुन बनाकर डाला, इससे बुलबुले छूट रहे हैं और ये ऊपर आ गया, यानी कि ये गर्म हो गया है। गुलाब जामुन को घी में डीप फ्राई करें और गैस को बिल्कुल स्लो में रखें। इसे स्लो फ्लेम में ही सेकना है क्योंकि तेज में सेकने से ये बाहर से तो रेड हो जाते हैं पर अंदर से अच्छे से पक नहीं पाते। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो में हर छोटी से छोटी बात बताती हूँ ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गुलाब जामुन को चम्मच से ना चलाएं, नहीं तो ये टूट सकते हैं। आप कढ़ाई को दोनों तरफ से पकड़कर ऐसे हल्का सा ऐसे हिला दें तो गुलाब जामुन अपने आप ही पलट जाते हैं और अच्छे से सिक जाते हैं। धीरे धीरे 3 से 4 गुलाब जामुन डालकर ही इन्हें अच्छे से डीप फ्राई करें। बाद में जब अच्छे से सिक जाते हैं तब आप उस टाइम इसमें चम्मच चला सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप लास्ट टाइम तक गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। ये स्लो फ्लेम में ही सिकते हैं। इन्हें अच्छे से सेकें, आप रेड एंड ब्लैक कलर होते तक सेकें। गुलाब जामुन थोड़ी डार्क कलर के ही होते हैं। ये देखिए, इन सभी गुलाब जामुन को इस तरह से सेके, देखिए कितना डार्क कलर आया है इसका। थोड़ी देर बाद गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दें। यहाँ चाशनी गर्म यूज नहीं कर रहे हैं। सभी गुलाब जामुन को इस तरह से चाशनी में डुबा दें। ये देखिए, स्पेशल और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।